अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं अगर आप रियाद से कतर जा रहे हैं तो। हमारे सऊदी की तरफ से प्रोसीजर सारे डन हो गए हैं, 3 यहाँ पर चेक पॉइंट मिले, तो वीजा स्टैंपिंग हमारी फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद हो गई है। हेलो एवरीवन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। ईद की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, आज है चांद रात। आप सभी लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और आज मैंने काफ़ी तैयारियाँ कर ली हैं, जैसे कि मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है, कबाब तैयार हो चुके हैं, सिवैयाँ तैयार हो गई हैं। वैसे ये वाली सारी तैयारियाँ मैं करती हूँ ईद वाले दिन, क्योंकि अक्सर लोग ईद वाले दिन शाम में ही आते हैं, तो इसलिए मैं सुबह से लगकर सारी तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सारी तैयारियाँ ऑलरेडी सब कर चुकी हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह ईद वाले दिन हम लोग जा रहे हैं कतर। इंशाल्लाह कल हम लोग सुबह सुबह कतर के लिए निकलेंगे, तो ये व्लॉग हमारा रहेगा रोड ट्रिप फ्रॉम रियाद टू कतर। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसके अंदर मैं सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ ये वीडियो कब मैं पोस्ट करूँगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोशिश मैं यही करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाए, लेकिन क्योंकि कतर मैं तो ऑब्वियसली मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, तो वहाँ से आने के बाद ही मैं जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ की इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आप सब लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और आप लोगों को इस वीडियो को उतना ही प्यार देना है जैसा कि आप देते आए हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सुबह इंशाल्लाह। तो अभी सुबह का 5 बजा है और हस्बैंड जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर ईद की नमाज़ काफ़ी जल्दी हो जाती है इंडिया के मुकाबले, जैसे इंडिया में लोग 7-7:30 बजे तक जाते हैं, तो यहाँ पर ईद की नमाज़ आज है 5:50 पर, जिसके लिए काफ़ी पहले से निकलना पड़ता है। अभी बचा है सुबह का 5, जैसा कि आपने पीछे क्लिप में देखा होगा, और इसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा भी है बाहर। और हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग निकलेंगे अराउंड 9 बजे तक, लेकिन हम पूरी रात सोए नहीं हैं, बच्चे एक्साइटमेंट में नहीं सोए हैं, और हम लोग का थोड़ा सा ये रमज़ानों में स्केड्यूल जो है ऊपर नीचे हो गया था, तो इसकी वजह से हम सो नहीं पाए, तो हो सकता है हमारा निकलना थोड़ा सा लेट हो जाए। देखते हैं कब निकलते हैं। Are you set to go? Yeah! Excited? Yes. Very Fazu's turn and my turn. Okay. Why? Are you Fazu, क्या हुआ? इसे जाना है बाहर. बाहर जाना है उसको, डैडी का सामान रखना है. जा तो रहे हैं। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, निकलने में थोड़ी सी देर हो गई, 9 बजे तक था कि हम लोग निकल जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन हम लोग पूरी रात जैसे कि मैंने आपको बताया सो नहीं पाए थे, तो इसकी वजह से हम लोग निकले हैं 11 बजे। हम सब की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अल्लाह करे आपकी घरों में खुशियाँ आएँ, ये ईद ढेर सारी खुशियाँ आप सब लोग के लिए लेकर आए, आपकी सारी दुआएं इंशाल्लाह कबूल हों। और हम लोग निकल चुके हैं अब कतर के लिए, और आपके लिए इस व्लॉग में सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो अभी इसमें दिखा रहा है 5 hours and 49 minutes, और है ये 565 kilometers। बीच में एक दो ब्रेक्स लेंगे तो फिर वो आराम से 6 घंटे तो हो ही जाएंगे, 6 घंटे तो पता हो ही गए, 7 घंटे हो जाएंगे अगर ज़्यादा लंबा ब्रेक लेते हैं। वैसे कोशिश करेंगे कि ब्रेक ना लें। Hey guys, क्या कर ले हो फाजू? क्या Look at this. रियाद से दोहा तक का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 580 किलोमीटर्स, तो 6 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, वो भी तब जब बीच में कोई ब्रेक ना लें, और इतनी लंबी जर्नी में एक दो ब्रेक्स तो आराम से हो ही जाते हैं। और बॉर्डर पर भी वीज़ा प्रोसेसिंग और कस्टम प्रोसीजर्स में 1 घंटा तो लगता ही है, तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम 7 से 7.5 घंटा हो जाता है। रियाद से अगर आप कतर या फिर UAE जाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा दम्माम हाईवे के थ्रू। वैसे तो मौसम शाम से ही थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन जैसे ही हम लोग दम्माम हाईवे पर पहुंचे हैं बारिश फिर से शुरू हो गई। बारिश नहीं मतलब बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन काला बादल है, देखो कहाँ तक ये बादल जो है काला मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा
मतलब मौसम खराब है फिलहाल तो। क्लब 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 अगर आप इकामा होल्डर हैं या फिर सऊदी नेशनल हैं तो आपको कतर बॉर्डर पर ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। हम लोगों ने भी वीज़ा अपना पहले से निकलवाया नहीं है, हम लोग भी बॉर्डर पर जाकर ही वीज़ा लेंगे और जो भी प्रोसेस होगा वो आगे आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। रियाद दम्माम हाईवे पर आपको काफ़ी सारे गैस स्टेशंस देखने को मिलेंगे। रियाद चेक पॉइंट से जैसे ही आप निकलेंगे 50 किलोमीटर की दूरी पर आपको नजर आएगा पहला सास्को। काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन रहता है ये, जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, सुपरमार्केट भी मिलेगा, रेस्ट रूम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर मस्जिद भी। अब यहाँ से अल हासा के लिए लेना होगा राइट टर्न। जो लोग कतर या यूएई जाते हैं उनको रियाद दम्माम हाईवे से होकर जाना होता है और फिर जो अल हासा के लिए पहला कट आता है खुरैस रोड पर पड़ता है वो, तो वहाँ से फिर आपको लेना होता है राइट टर्न। ये देखिए सीधा रोड चला जाएगा दम्माम और यहाँ से एग्जिट लेंगे तो पहुँच जाएंगे अल हासा वाली रोड पर। तो हम लोगों को कतर जाने के लिए यहीं से ही एग्जिट लेना होगा। अगर ये बाय चांस एग्जिट मिस हो जाता है तो फिर आप सीधे जो है दम्माम हाईवे पर निकल जाएंगे। आई थिंक आगे जाके कहीं ना कहीं यू टर्न ज़रूर होगा, फिर आपको वापस से इसी रोड पर आना होगा। तो कतर जाने के लिए आपको ये वाला एग्जिट लेना ज़रूरी है। कतर के लिए पहली एग्जिट लेने के बाद यहाँ से दिखा रहा है 473 किलोमीटर्स और इसको लगेगा टाइम 4 आवर्स 55 मिनट्स। ये है रूट नंबर 522 और इसी रूट पर आपको 164 किलोमीटर्स तक रहना है। यहाँ की स्पीड है 120, दम्माम हाईवे पर थी 140। यहाँ पर कोई भी फेंसिंग नहीं है, ना तो कोई इस हाईवे पर लाइट लगी हुई है। काफ़ी बार हमने इस हाईवे पर ट्रैवल किया है लेकिन रोड अब काफ़ी अच्छी हो गई है, पहली ऐसी नहीं थी। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं अगर आप रियाद से कतर जा रहे हैं तो। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है वीज़ा। और अगर आप रियाद से कतर जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर भी और अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो भी ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। उसका एक प्रोसीजर अलग से है तो मैं आपको वो डिटेल में बाद में बताऊँगी, लेकिन इसका जो इकामा होल्डर्स हैं या सऊदी नेशनल्स हैं तो उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा बॉर्डर। हम लोगों ने भी अपना वीज़ा जो है अभी लिया नहीं है, बॉर्डर पर जाकर ही अपना वीज़ा हम लोग लेंगे और जैसा जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपके साथ में शेयर करती चलूँगी। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरफ जो कि है एंट्री री एग्ज़िट वीज़ा। अगर आप सऊदी से कहीं बाहर किसी भी कंट्री जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होता है। नाउ कम्स द थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस भी बॉर्डर पर ही मिल जाता है वीज़ा की तरह ही, वो भी हमने अभी निकलवाया नहीं है, वो भी हम बॉर्डर पर जाकर ही लेंगे और जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं आपके साथ में शेयर करती चलूँगी। अब है चौथा डॉक्यूमेंट जो कि है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस हमने ले लिया है पहले से और कहाँ से निकलवाया हमने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसके अंदर सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं और उसकी क्लिप भी मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि कैसे आपको मेडिकल इंश्योरेंस निकलवाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे रियाद से अगर आप जा रहे हैं कतर, तो उसके लिए आपको होटल का रिजर्वेशन दिखाना ज़रूरी है ऑन अराइवल वीज़ा के लिए। और आखिरी चीज़ ये कि आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी कैरी कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, मतलब ये नेसेसरी नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने साथ रख के चलिए, हो सकता है कि वीज़ा प्रोसेसिंग के टाइम पे मांग ली जाए। तो हमने इसलिए जो है फ़ोटोग्राफ्स भी मतलब रख ली हैं सारी फैमिली के अलग अलग निकलवा कर, तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है। ये है अल हासा वाला रूट जहाँ पर फेंसिंग और दूसरा इस रूट पर बहुत ही खूबसूरत सी रेड सैंड देखने को मिलती है और आई थिंक पूरे रूट में ही है ये। काफ़ी बार हम लोगों ने यहाँ से ट्रैवल किया है, वहाँ कैमल्स हैं लेकिन शायद मैं कैप्चर ना कर पाऊँ, काफ़ी दूर है। कैमल दिख गया हम। हाय शाजू।
कतर यूएई के साइन पोस्ट आपको यहाँ पर जगह जगह पर लगे हुए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इस रोड पर आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कैमराज लगे हुए हैं, तो अगर आप ओवर स्पीड कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर फाइन भी पड़ जाता है। आई थिंक 50 या 60 किलोमीटर के बाद में हमको दिखा ये अलहासा हाईवे पर अलद्रीज गैस स्टेशन, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर अपना पहला ब्रेक। सुबह से जो बारिश हुई है वो अभी तक रुक नहीं रही है, बीच में काफ़ी बार बूंदाबांदी देखने को मिली और मौसम भी पूरे रास्ते ऐसे ही बना हुआ है, एकदम काला बादल है। अब देखते हैं कहाँ तक ये काला बादल रहता है। काफ़ी बड़ा सा गैस स्टेशन है ये, यहाँ सबसे पहले हम लोग कराएंगे रिफ्यूलिंग, उसके बाद जाएंगे चाय और कॉफ़ी के लिए। ये क्या हो रहा है? इसको तो निकालो। फाजू हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद अब यहां पर तेज बारिश होने लगी है। देखते हैं आगे कड़क चाय है कि नहीं। हम लोग आज एकदम कलरफुल सी फैमिली हो रही है, देखे आप पिंक, फाजू ऑरेंज, शाजू ग्रीन, पिंक हो रही हूँ। और ईद की वजह से यहाँ आई थिंक सब बंद है, कुछ भी नहीं खुला हुआ है, तो हम वापस जा रहे हैं अब डिसअपॉइंटमेंट के साथ। बारिश तेज़ हो रही है, बीच बीच में तेज़ हो जाती है फिर हल्की हो जाती है, लेकिन पूरे रास्ते हमको बारिश मिली ही है, मौसम एकदम बढ़िया रहा है। क्या शाजू कुछ कहना है आपको? बिरयानी। मैंने बिरयानी पैक कर ली थी जो बची थी, तो शाजू को भूख लगी। ये देखिए मेरा वाटर प्रूफ शील्ड जो लेदर का है बिरयानी। गरम है अभी तक के। अच्छा कबाब भी खाओगे? जी। बच्चों के साथ जब चलना होता है तो पूरे इंतज़ाम के साथ चलना होता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है। और अच्छा रहा मैंने खाना पैक कर लिया था क्योंकि यहाँ पर ईद के मौके पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद मिले, शॉप्स भी यहाँ तक के सब बंद थी, तो अच्छा हुआ कि मैंने सब पैक कर लिया। फिर से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया और यहाँ से दिखा रहा है 3 hours and 51 minutes और इसी रूट पर रहना है 46 किलोमीटर्स तक। उसके बाद में एक और राइट टर्न लेना है सलवा बॉर्डर के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कतर बॉर्डर पर आपको मिल जाएगा ऑन अराइवल वीज़ा, और अगर आप वीज़ा पहले से लेना चाहते हैं तो मैंने विजिट कतर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से लेना है एक और राइट टर्न कतर बॉर्डर के थ्रू। जगह जगह पर साइन पोस्ट लगे हैं कतर और यूएई के, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उससे काफ़ी आसानी मिल जाएगी। ये देखिए आप, सीधा रास्ता जो गया है वो गया है अलहसा सिटी के लिए और यहां से टर्न लेना है कतर बॉर्डर के लिए। अब मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हैं कतर बॉर्डर पर तो उसके लिए आपको डिस्कवर कतर वेबसाइट के थ्रू ही होटल बुकिंग कराना है। अगर आपकी होटल बुकिंग डिस्कवर कतर के थ्रू नहीं है तो आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और जितने दिन की आपकी होटल बुकिंग रहेगी उतने ही दिन का आपको वीज़ा मिलेगा। चौबीस किलोमीटर तक इसी रोड पे चलना है, हुफूफ का बाईपास है ये, और फिर उसके बाद एक राइट कट लेना है ना, फिर उसके बाद देखिए वहाँ से कितना दूर है बॉर्डर।
अब यहाँ से दिखा रहा है 2 किलोमीटर के बाद कतर और यूएई के लिए राइट टर्न लेना है। ये पूरा अल एहसा वाला रोड है और यहाँ से अप टर्न लेना है कतर के लिए, सलवा बॉर्डर के लिए। यहाँ से दिखा रहा है 600 मीटर्स पर है, यहाँ से जो टर्न आएगा वो फिर कतर और मतलब कतर बॉर्डर के लिए आएगा। यहाँ से ये रेलवे लाइन भी आ रही है, दम्माम वाली रेलवे लाइन है वाली जो जा रही है ना। ये यहाँ से आ गया कतर के लिए। अब ये वाले रोड पे जो हमने टर्न किया है ये सीधा जाएगा कतर। ये आखिरी पेट्रोल पंप है ये वाला, ये तो पता नहीं है, यहाँ का तो कोई आइडिया भी नहीं है। यहाँ पर हमने हाँ इसलिए हमने लिया है कि चाय वाय मिल जाए, शायद हो सकता है बॉर्डर से पहले आखिरी पेट्रोल पंप हो। अच्छा ये तो नहीं आखिरी, मुझे भी यही लग रहा है कि यह आखिरी होगा। और यहाँ पर ये सब कुछ बंद है, ईद के मौके पर हमें एक भी रेस्टोरेंट कुछ भी ओपन नहीं मिला है, चाय हम पी ही नहीं पा रहे। तो हम लोग यहाँ आए थे ये सोचकर कि ये लास्ट पेट्रोल पंप शायद हो, तो पेट्रोल भी थोड़ा सा डलवा लेंगे, वैसे डलवा लिया था लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए दूसरा चाय हम पी लेंगे, क्योंकि हमें लास्ट जो हमने स्टॉप लिया था वहाँ चाय नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ बंद है, ईद के मौके पर सब कुछ जो है आई थिंक बंद होता होगा, ईद तो सबकी होती है, तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ बंद है और हमें चाय नहीं मिली ना कॉफ़ी मिली ना कुछ भी। देखते हैं आगे, शायद कुछ खुला हो तो शायद मिल जाए। फाइनली हमें एक शॉप ओपन मिल गई जहाँ हमने स्टॉप लिया था अभी, उसी की दूसरी साइड पर ये एक शॉप है जो ओपन है चाय की, और यहाँ से हमें मिल जाएगी चाय। जमजम देखो, हाँ जमजम भी है यहाँ पे। तो चाय के साथ ये भी आ गया है, लेट्स ट्राई इट कैसा है। फाजू को बड़ी देर बाद अब फाइनली नींद आ रही है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए अब पीछे जाना पड़ेगा। बच्चे भी सुबह से उठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो फाजू तो फाइनली सो गया है यहाँ पर। और उसका क्या रहता है कि वो डैडी के पास बैठना चाहता है, इसकी वजह से वो बीच में जो सीट रहती है ना वहाँ बैठ के आता है, तो काफ़ी थक गया था तो फाइनली मैंने उसको सुला दिया। जब से हम रियाद से चले थे तब से लगातार बारिश थी और यहाँ पर धूप निकली है फाइनली। बादल तो खैर है लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत अरसे के बाद धूप देखने को मिली है। कतर बॉर्डर के लिए ये वाले हाईवे पर स्पीड लिमिट है 120, काफ़ी चौड़ा बना हुआ है, फेंसिंग भी है यहाँ पर, और यहाँ से दिखा रहा है 1 hour 16 minutes लगेंगे कतर बॉर्डर तक पहुँचने के लिए। लग तो ऐसा ही रहा है कि सामने कुछ जैसे कोस्टल टाइप का एरिया है, मुझे तो समंदर जैसा कुछ लग रहा है। समंदर है, देखो तरफ देखो, ये समंदर ही तो है। कतर के अंदर तो है लेकिन रोड की साइड में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोड के साइड में ऐसे दिखेगा पूरा। यहाँ पूरा कोस्टल एरिया है, पूरा समंदर है। तो ये है वो वाला पेट्रोल पंप जो कि बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है, हम लोगों ने एक बार यहाँ फिर से रिफ्यूल करा लिया अपनी गाड़ी को, ये सोच कर के पता नहीं आगे बॉर्डर के बाद कितनी दूर पर मिलेगा। अब हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ जिसे सलवा पोर्ट भी कहते हैं, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है
और वहां चलकर देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है सऊदी अरेबिया का सबसे पहला चेक पॉइंट। यहाँ पर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पासपोर्ट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ रेडी रखिएगा। तो इस वाले चेक पॉइंट पर जैसा कि आप देख सकते हैं कोई बूथ नहीं है, यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराना होता है, यहाँ से सिर्फ आपको निकलना होता है, पहुँचना होता है चेक पॉइंट वन पर, जहाँ पर आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस चेक होता है और उसके बाद में मिलती है कार स्लिप। इस तरह से ये स्लिप मिलती है जिसके ऊपर कार डिटेल्स होती हैं और कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं वो लिखा होता है। इस स्लिप को बहुत संभाल कर रखना है क्योंकि आगे यही स्लिप काम आने वाली है। इसके बाद आता है सऊदी का चेक पॉइंट टू, जहां पर आपको कार स्लिप के साथ में सब लोगों के पासपोर्ट्स वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं। यहां पर लगती है सऊदी की एग्जिट स्टैम्प और इसके साथ साथ बायोमेट्रिक्स होता है। इकामा होल्डर्स हैं तो इकामा भी तैयार रखिएगा, वो भी चेक करते हैं। बायोमेट्रिक्स मेरा और मेरे हस्बैंड का हुआ था, बच्चों का नहीं हुआ था। इसके बाद आता है चेक पॉइंट थ्री, जहां पर पासपोर्ट और जो कार स्लिप आपको पहले मिली थी उसका इंस्पेक्शन होता है। बहुत ही जल्दी हो जाता है ये वाला प्रोसेस। उसके बाद में आपको क्लियरेंस मिल जाता है अथॉरिटी की तरफ से और सऊदी के सारे कस्टम्स पूरे हो जाते हैं। अब यहां से वहां तक ना ये नो लैंड जोन है। ओके, यहां पे कोई किसी का मतलब नो बॉर्डर कंट्री नहीं है। तो हमारे सऊदी की तरफ से प्रोसीजर सारे डन हो गए हैं। तीन यहाँ पर चेक पॉइंट्स मिले। पहले वाले में उन्होंने हमारा वो दिया, कार का रिसीट दिया, नाम पूछा, उसके बाद में रिसीट दिया उन्होंने। और उसके बाद में दूसरे चेक पॉइंट पर, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लिप में बताया, दूसरे चेक पॉइंट पर था वो पासपोर्ट चेकिंग के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने पासपोर्ट मांगा और हम लोग क्योंकि एक्सपैट्स हैं तो हमारे पास में था इकामा, तो उन्होंने इकामा मांगा और उसके बाद में कोई रिसीट दी उन्होंने, जो कि तीसरे चेक पॉइंट पर जो उन्होंने पासपोर्ट में रिसीट रख के दी थी वो उन्होंने तीसरे चेक पॉइंट पर चेक करी। और उसके बाद अब यहाँ से हम लोग फ्री हो चुके हैं, अब जा रहे हैं कतर के कस्टम्स की तरफ। अब हम लोग आ गए हैं कतर कस्टम्स में। यहाँ से सारी कतर की अथॉरिटी स्टार्ट होती है। यहाँ पर सामने मुझे दिख रहा है बायोमेट्रिक्स एंड वीजाज लिखा है। यहाँ पर अंदर जाकर अब हमको लेना है ऑन अराइवल वीज़ा। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मगरिब का टाइम हो गया है, सही टाइम पर पहुँच गए, लेकिन अब ऑन अराइवल वीज़ा के लिए कितना टाइम लगता है मालूम नहीं। सऊदी कस्टम्स पर तो कहीं पर बाहर उतरना नहीं पड़ा, सब कुछ कार में बैठे बैठे हो गया, लेकिन यहाँ पर तो उतरना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। तो वीज़ा स्टैम्पिंग हमारी फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद हो गई है। अच्छा, जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको तीन ऐसे अलग अलग हॉल टाइप के मिलेंगे, जहाँ पर पहला जो है वो वीज़ाज है, दूसरा वीज़ाज एंड बायोमेट्रिक्स लेडीज़ है और तीसरा बायोमेट्रिक्स है। तो ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपको जाना है खाली वीज़ाज, जहाँ पर लिखा है वहाँ पर ही, पीछे से आपने जो देख रहे हैं ना सारा ये वही है वीज़ा वाला एरिया। तो वीज़ाज वाले में आपको जाना है जहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से वीज़ा लेकर आएँ, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा के लिए करना पड़ा हमको अच्छा खासा वेट। जब हम यहाँ आए थे तो 448 आई थिंक नंबर चल रहा था और हमें मिला 515, और मास का टाइम भी हो गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर मतलब ज़्यादा लोग नहीं बैठे थे तो टाइम लग गया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीज़ा यहाँ से लेकर आएँ। ऑन अराइवल वीज़ा भी लेते तो मिल जाएगा, जल्दी हो जाता है, जो मतलब प्रोसीजर में टाइम नहीं लगा लेकिन वेटिंग टाइम हमारा अच्छा खासा हो गया। हाँ, वहाँ होगा। वीज़ा मिलने में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हमें जो टाइम लगा वो सिर्फ इंतज़ार करने में लगा, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था, इसकी वजह से नमाज के लिए जो थे लोग चले गए थे। यहाँ पर बना सब मतलब एक लाइन से नहीं बना हुआ है, घूम घूम कर जाना पड़ता है। जैसे पीछे जो है वो आप सारा वीज़ा वाला एरिया देखेंगे, फिर सामने हमें दिख रहा है कि कस्टम्स है, लेकिन जाने के लिए बहुत ही घुमावदार रास्ता है, तो इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है जब आते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं कार इंश्योरेंस के लिए, देखते हैं कहाँ से मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी सारी जगह मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कार इंश्योरेंस कहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पर सब जो है वो मतलब फैला हुआ सा है, कुछ भी मतलब वैसे नहीं है कि लाइन से हो तो पता चल जाए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। यहाँ पर सब अलग अलग जगह पर है, तो वो ख़ुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है।
वीजा एंड बायोमेट्रिक्स वाले एरिया से आप बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले पहुंचेंगे कतर कस्टम्स में, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, जैसे कि आपकी कार रिसीट चेक होगी, पासपोर्ट चेक करेंगे, और उसके साथ साथ में आप जिस भी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं वो व्हीकल अंदर और बाहर दोनों अच्छे से चेक करेंगे। फिर चेक करने के बाद में आपको कतर कस्टम्स से क्लियरेंस रिसीट मिल जाती है, ऐसा कुछ लगता है कतर कस्टम्स। और जैसे ही आप कस्टम्स से बाहर निकलेंगे ना, राइट साइड पर दिखेगा आपको इंश्योरेंस का ये साइन पोस्ट। अगर आपको कार इंश्योरेंस चाहिए तो आपको इधर आ जाना है, अगर आपके पास में है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सीधा फाइनल चेक के लिए जाना है। अगर कार इंश्योरेंस नहीं है तो वीजा की तरह वो भी यहाँ पर ऑन अराइवल मिल जाता है, जिसके चार्जेस हैं 145 कतरी रियाल। अगर आपके पास में कार इंश्योरेंस नहीं है और आप कस्टम्स से सीधा फाइनल चेक पर चले जाएंगे तो वहां से आपको भेज दिया जाएगा वापस और फिर से आपको यहीं आना होगा। वैसे देखा जाए तो कतर साइड में भी ये वाली फॉर्मेलिटीज काफी सिंपल थी, वीजा एंड बायोमेट्रिक्स था बस, उसके बाद में कस्टम था, उसके बाद कार इंश्योरेंस और फिर फाइनल चेक। ऑन अराइवल वीजा के लिए उन्होंने हमसे पूछा कि हमारा होटल का स्टे कितने दिन का है और उसी हिसाब से उन्होंने हमको वीजा दे दिया। तो ये वाले क्लिप में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको कहाँ से लेना है। ये विजिट कतर करके वेबसाइट है, उसमें आप बहुत सारी डिटेल्स पाएंगे। तो सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करके दिया है, जहाँ पर आप नीचे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से आप फॉर्म फिल कर मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि 50 कतरी रियाल पर पर्सन है। ये है कतर का फाइनल चेक पॉइंट, जहाँ पर आपके सारी डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई होंगे। अभी तक के आपको जिस चेक पॉइंट पर जो रिसीट्स मिली हैं वो सारी यहाँ पर रीवेरीफाई होंगी। उसके बाद में जो आपको सऊदी बॉर्डर पर सबसे पहली रिसीट मिली थी ना कार की, वो यहाँ पर रख ली जाएगी, और बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर आप पहले से भी वीज़ा लेकर आते हैं तब भी आप यहाँ पर एक घंटा तो मान के चलिए कि टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ खूब होती हैं, तो इसकी वजह से जो है टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है। फाइनली हमारी एंट्री हो गई है कतर में, और अभी हमारा होटल जहाँ है मतलब दोहा, वहाँ पर पहुँचने में अभी एक घंटा और 5 मिनट है, 96-95 किलोमीटर दूर है। दोहा बॉर्डर से थोड़ा आगे चलेंगे तो एक पेट्रोल पंप नजर आ जाएगा। तो गैस स्टेशंस जो है वो एक बॉर्डर से पहले भी है और एक आगे भी है। ऑन अराइवल वीजा के लिए डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग कराना मैंडेटरी है। अगर आप पहले से वीजा लेकर आ रहे हैं तो आप किसी भी होटल में बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन ऑन अराइवल वीजा के लिए डिस्कवर कतर पर जो भी होटल के ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपको उन्हीं में से स्टे करना होगा। तो हमने गोल्डन ट्यूलिप होटल चूज़ किया था। एक तो ये 5-स्टार होटल है, इसकी फैसिलिटीज़ सारी काफ़ी अच्छी हैं। दूसरा, ये दोहा कॉर्निश से बिल्कुल नज़दीक है, इनफैक्ट बिल्कुल सामने बना है। इसके पास में सूक वाकिफ भी है, नेशनल म्यूजियम भी है, तो ये सब कुछ हमने देख कर समझ कर ही होटल बुक किया था। यहाँ पर सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज चल रही थी। हम लोगों को होटल पहुँचते पहुँचते बज गया था रात के 9 और हम लोग घर से निकले थे 11:30 बजे। तो इतना टाइम तो आप मान के चलिए अगर आप रियाद से कतर जा रहे हैं बाय रोड, क्योंकि फॉर्मेलिटीज में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। एंटर होते ही यहाँ से है वॉशरूम, तो पहले मैं आपको वॉशरूम में दिखा देती हूँ। ओके, इट्स अ ह्यूज वॉशरूम, इट हैज ऑल द बेसिक एमिनिटीज। ओके, लेट्स मूव। हमने बुक कराया है स्वीट, सो इट हैज अ टी कॉर्नर हियर। और फाजू यहाँ छुप रहा है, फाजू को ढूंढ सकते हैं यार, कवर्ड। फाजू कहाँ है, कहाँ है फाजू, कहाँ है फाजू? फाजू नो, और यहाँ से व्यू है वाओ, कुछ ऐसा। जस्ट लुकिंग लाइक अ तो हमने स्वीट बुक किया है और काफ़ी बड़ा हमारा ये रूम है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के बेड्स काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, वरना होटल के बेड्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, तो बच्चों को लिटाने में साथ में बड़ी परेशानी होती है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, आराम से। हम लोग क्या आराम से फुटबॉल खेल सकते हैं? फाइनली हम लोग कतर पहुँच गए, इतनी लंबी ड्राइविंग आपने कर ली माशाल्लाह।
हैप्पी फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, बस आधा घंटा हमने आराम किया, उसके बाद में हम लोग रेडी हो गए। मेरे हस्बैंड के यहाँ फ्रेंड रहते हैं, उनके यहाँ डिनर है। चलो लिफ्ट आ गई। Red Bull gives you wings. तो हम लोग बाहर निकले और बाहर लगी हुई थी एकदम ईद वाली रौनक। एक तो ये कॉर्निश वाला एरिया है ना सामने, जिसकी वजह से काफ़ी लोग घूमने के लिए आए थे यहाँ पर, तो जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। हम लोग भी ईद सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के घर में। तो ये था आज का व्लॉग, यहीं एंड करते हैं व्लॉग को, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे अब हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे, तो आप सभी लोगों के लिए व्लॉग बनाएंगे अच्छा सा नया सा। और अगर ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा अगर यूज़फुल लगे तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में इंशाल्लाह, नए कंटेंट के साथ में, होपफुली आपको वो भी पसंद आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए एंड हैप्पी ईद वंस अगेन।